हेलो स्टूडेंट, राधे राधे, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका हमारे सेशन ट्रिक विद हिटलर गुरु में। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं आवर्त सारणी, जिसे प्यार से हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। तो आज जो हम इस एक ट्रिक की बात करने वाले हैं, ये ट्रिक है जो आवर्त सारणी बनाई गई थी वो किस किस के द्वारा इसके प्रयास किए गए हैं, किस किस के द्वारा इसका विकास किया गया है, इन चीजों के बारे में हम देखेंगे। और किस किस ने किस कौन कौन सा नियम देखेंगे, इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं आप लोग अंत तक जुड़े रहेंगे। तो देखिए, एक ट्रिक है अपनी, डिश टीवी पर नाटक आते हैं, यदि मम्मी टीवी ला दे तो अपनी मौज हो जाए। क्या कह रहा है? कोई बच्चा है अपने भाई या बहन को बोल रहा है कि डिश टीवी पर नाटक आते हैं। क्या आते हैं? नाटक आते हैं। और अपनी मम्मी यदि अपने को टीवी ला दे तो अपनी तो भाई मौज हो जाए। क्या हो जाए? मौज हो जाए। तो चलिए अपन भी मौज कर लेते हैं एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा, जिसमें से अपन ज्यादा नहीं चंद, क्या चंद वर्ड उठाएंगे। पहला है डिश टीवी, उसके बाद में नाटक आते हैं, तीसरा है मम्मी, और चौथा है अपनी मौज। तो अपन देखते हैं पहला डिश टीवी। क्या देखते हैं? डिश टीवी। इसके बाद में नाटक आते हैं, क्या नाटक आते हैं? ठीक है, इसके बाद में आती है अपनी कौन? मम्मी। क्या लेके? दूध अपने लिए सुबह सुबह, है ना। क्या आती है? मम्मी। उसके बाद में जो भी अपनी क्या हो जाएगी? मौज, अपनी मौज। ये देखिए एक चार वर्ड की ट्रिक है जिसको हम सीखने का अथक प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, डी से बनता है डोबे राइनर। क्या बनता है? डोबे राइनर। और डोबे राइनर ने कौन सा नियम दिया था, आप लोगों में से यदि किसी को पता हो तो मुझे बता दीजिए कौन सा दिया था डोबे राइनर का त्रिक नियम। ज्यादा इसको बोल सकते हैं डोबे राइनर का त्रिक नियम। कौन सा नियम? त्रिक नियम। और त्रिक नियम में क्या बताया कि जो पहला और तीसरा परमाणु क्रमांक है, संख्या का परमाणु क्रमांक है, वो दूसरी संख्या के परमाणु क्रमांक के लगभग बराबर होगा। कौन सा? औसत संख्या की, ठीक है। यानी कि जो हम इसको बोल सकते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड अपॉन टू, ये बराबर किसके होगा? सॉरी, यहां थर्ड, जो कि सेकंड के बराबर होगा, ठीक है। औसत ऐसे निकालो, पहली और तीसरी संख्या है उसके बटा में दो का भाग देके। इसके बाद में आता है अपना नाटक आते हैं। तो नाटक से क्या बन जाएगा? न्यूलैंड। क्या? न्यूलैंड, ठीक है। अब न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था? तो न्यूलैंड का है अष्टक नियम। कौन सा? अष्टक नियम। ठीक है, अष्टक नियम में इन्होंने संगीत को अपना बेस माना। क्या? बेस। और क्या बताया कि जो सारे गामा पाधानी, ठीक है, इसके बाद में जो पहला वर्ड आता है वो पहला ही आता है, क्या? सा, यानी कि सा रे गामा पाधानी सा, ठीक है। तो इन्होंने कहा जो पहला तत्व होगा उसके जो गुण होंगे वो आठवें परमाणु क्रमांक के गुण के बराबर होंगे, इन्होंने ये बताया। इसके बाद में आती है अपनी मम्मी, सबसे इंपोर्टेंट। मम्मी से क्या बनता है? मेंडलीफ। क्या बनता है? मेंडलीफ, मेंडलीफ, ठीक है। और दोस्तों मेंडलीफ, आपने मेंडल का नाम तो सुना होगा, मेंडलीफ और मेंडल दोनों जनक बोले जाते हैं,
किस किस के। मेंडल तो है आनुवंशिकी का जनक, जो कि अपने चलता है जीव विज्ञान में। रसायन विज्ञान में अपने पीरियोडिक टेबल का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को। तो इसे हम बोल सकते हैं जनक। अरे भाई, मम्मी भी तो अपनी जननी होती है ना, तो इसको भी अपने जनक बोल देंगे। इसके बाद अपनी हो जाती है मोज। तो अपनी का मतलब है ऐसे आधुनिक आवर्त सारण। किसके द्वारा? मोज लेके द्वारा। किसके द्वारा? मोज लेके द्वारा। और मोज लेने बोल दिया, जा बेटा मोज कर। इसके अलावा एक और दिया गया था किसके बाद में? न्यूलैंड के बाद में। वो था वक्र का नियम। लोथल मेयर ने वक्र का नियम दिया था। उसके अंदर उन्होंने क्या दिए थे, जो वक्र के ऊपर कौन सी धातु आती है, नीचे कौन सी धातु आती है, ये सब दिया था। इसके बाद एक छोटा सा नियम और तरीका बता देता हूं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसके अंदर आते हैं 118 तत्व। इसके अलावा आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी, एक आता है जी और एक आता है पी, यानी कि ग्रुप और पीरियड। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा इनका नाम, ठीक है। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा, 7 और 18 संख्या तो होती है कुछ, पर यह नहीं पता सर कि ग्रुप 18 होते हैं या पीरियड 18 होते हैं, या ग्रुप 7 होते हैं या पीरियड 7 होते हैं। इसमें हम बहुत अधिक कंफ्यूज हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई। देख, इसके अंदर ग्रुप की संख्या होती है वो होती है 18। कितनी होती है? 18। आप लोगों ने ये तो सुना होगा, स्कूल तो गए ही होगे, तो स्कूल में पीरियड कितने होते हैं? 8। और यानी कि जो संख्या कम वाली होगी वो पीरियड और ग्रुप वाली होगी वो अधिक, ठीक है भाई। आप लोग ऐसे भी वो कर सकते हो कि ग्रुप जो होता है उसको पिलर भी बोला जाता है, यानी कि कॉलम, सॉरी वो कॉलम बोला जाता है। और कॉलम यानी कि जो आप चौखाना बोल सकते, डब्बा। तो आप लोगों ने पिलर तो देखे ही होंगे स्कूल में, वो तो बहुत सारे होते हैं, तो आप उससे भी इस कॉलम को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था अपना एक बहुत ही बेहतरीन सा एक ट्रिक, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप लोगों को ये अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, उसके साथ साथ लाइक भी करना है, और आपके हिटलर गुरु के चैनल को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। तो ये काम आप लोग जरूर कर दीजिए। चलो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।